बीमारी की वजह क्या होती है, तो उसमें जो सबसे बड़ी वजह बताई गई वो होता है डर। तो यही चीज आज से 18 साल पहले मेरे साथ थी कि मेरे बच्चे इतने केयरिंग थे। एक दिन ऐसे जब मेरा फोन का होता तो मेरा बीपी चेक करता, तो वो बीपी शायद 85.1 तो बड़े बीपी हो गया, डॉक्टर को भी बीपी हो गया और बीपी की दवाई। आप यकीन मानिए 10 साल तक मैं दवाई नहीं था, और 10 साल के बाद मुझे लगा मेरी बीपी कंप्लीट नहीं है तो दे रहा हूँ। तो मेरे छोटे बेटे की शादी मिस्टर सुमन लग गई हूँ, यहाँ पे है सुमन राजी जो अपने समधी जी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये इस संस्था का जुड़े हुए थे, तो मेरी मिसेज और मिसेज बनाना इन्होंने आपस में बात की, तो इन्होंने ये सारा उपचार जो है उनको बताया। तो यही पट्टी रखना, पेट पर पट्टी रखना, सुबह उसको खाना मैंने शुरू किया। एंड यू बिलीव मी, मैं पिछले 7 साल से बीपी की दवाई नहीं ली, और आज मेरा बीपी जो है 3 दिन से यहाँ भी चेक करवाया है तो 75/50 आ गया। शुगर मेरी 110 आ रही है, और आप एक बार ज़्यादा भाई सकते हैं मेरे खाते से 70+ तो हुई मेरी से। और दूसरा यहाँ पे आके जो मुझे ये सिस्टम लगा है, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे खाने को मिली, जो हमने काफ़ी कुछ तो पहले ही अडॉप्ट कर दिया, मुझे सुनाना कि सर्वेश ऊपर तो मैं बात करते रहते थे, लेकिन दिस इज द कंक्लूजन आफ्टर अटेंडिंग दिस कैंप कि वन शुड अडॉप्ट दिस सिस्टम 100%, क्योंकि रात भी इतना स्वाद है उसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो एंड तक आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि जो आपको चपाती में नहीं मिलेगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं ये कहूँगा, एडवाइस करूँगा अपने दोस्तों को भी, अपनी फैमिली को भी, मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा। मेरा छोटा बेटा तो आप ताजुब करेंगे कि जो मिस्टर खाना का दरबार है, मेरा पोता इस टाइम 7 साल का है और 7 साल में उसको कभी दवाई नहीं दी, बल्कि जब उनके दांत निकलने वाले थे उसको काफ़ी बुखार हुआ, तो मैंने गुस्सा किया कि आप तो दवाई क्यों नहीं देते हो, तो बोला मैं डॉक्टर से लेके जा रहा हूँ, चुप हो गए। चार दिन बाद पता चला कि बच्चा ठीक है और डॉक्टर से लेके नहीं गए, ओनली फिर दिस थिंग इज परफेक्ट हो रहा है। और 7 साल से दवाई नहीं ली, और 7 साल से मेरे छोटे बेटे ने दवाई नहीं, तो आप सोचिए कि कितना इस चीज़ का यहाँ पे असर है। और 3 दिन मैं यहाँ पे चार घूम रहा हूँ, और आप यकीन मानिए कि दिल्ली से यहाँ पर मैं 100% एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूँ। तो मैं ऐसी संस्था के साथ खुलना ये मेरा एक सौभाग्य है। मैं अभी तो कुछ नहीं कह के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी मैं वापस यहाँ पे आके इनके टच में क्या कर जो कर पाऊँगा, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो पैसे के तरीके से हो, चाहे जिस तरीके से हो, जो कुछ हो सकता होगा। थैंक यू। विनोद सेठी प्लीज आप भी आ गए, आइए प्लीज।